जश्न आज़ादी में पूरा शहर डूबा हुआ है। चारों तरफ तिरंगा झंडा के रंग में लोग डूबे हुए हैं। भारत माता की जयघोष और आज़ादी के तराने से पूरा शहर गुंजायमान है। तिरंगा यात्रा में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के क्लब, रोटरी क्लब, रॉकेट क्लब ऑफ गया सिटी, इनरविल क्लब, इनरविल बोध गया, इनरविल क्लब ऑफ मानपुर, इंडियन डेंटल एसोसिएशन, जैन समाज के लोग, शहर के प्रभुत्व लोग, सभी संस्थाओं के लोग शामिल हैं। लोगों में देशभक्ति की भावना की अद्भुत जज्बात देखी जा रही है। और पूरा देश मना रहा है और इसमें हम लोग बहुत आनंदित और प्रमोदित है। पूरे हमारे जैन समाज के, समाज के बच्चे बड़े बूढ़े सभी मना रहे हैं और देश के लिए जो भी समर्पित भाव से जो काम करता है वो जब देश रहेगा तभी समाज रहेगा, तभी धर्म रहेगा। तो देश के लिए जो मर मिटने के लिए उनके हमारी आन बान शान हमारा भारत देश है। इस भारत देश में जितना हमसे बन सकेगा हम उनके लिए पूरा गया समाज, जैन समाज उनके लिए समर्पित है। और जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं वो हृदय नहीं वो पत्थर है। जिसको स्वदेश से प्यार नहीं वो हृदय नहीं वो पत्थर है। जिसे स्वदेश से प्यार नहीं, भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारतवासी होने पे बहुत गर्व है। मैं प्राउड फील करती हूँ कि मैं इंडियन हूँ और मुझे इस विशाल तिरंगा यात्रा में बहुत अच्छा लगा। बहुत सारे लोग एकत्रित हुए हैं। पहली बार ये 15 अगस्त को इतना यादगार बनाया जा रहा है, इस अमृत महोत्सव को इतना यादगार बनाया जा रहा है। ये देख के और ये एकजुट जो भी अभी एकजुट जो हुए हैं हमारे हिंदुस्तानी भाई बहन सब, ये देख के बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग रोटरी गया युवा के मेंबर हैं और आज हम लोग आज़ादी की 75वीं अमृत महोत्सव मना रहे हैं पूरे गया के सारे क्लब्स को शामिल करके बड़े ही धूमधाम से, क्योंकि बहुत गर्व की बात है कि हमारा देश आज 75वीं आज़ादी का महोत्सव मना रहा है। वंदे मातरम। देशवा न्यूज के लिए गया से सुभाष। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।